Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 6, class 8, exercise 6.8, question number 4 to 6. Question number 4, it is given that observe the following patterns and find the missing digit. यहाँ पे हमें pattern follow, तीनों question में आप देखो, 4, 5 और 6, तीनों में हमें pattern follow करना है. तो काफ़ी इजी होता है हमें पैटर्न फॉलो करना. पैटर्न फॉलो जैसे कि सपोज दैट हम ऑब्जर्व करेंगे हर एक लाइंस को, हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे. कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखो आप जो फर्स्ट लाइन है 11 का जो स्क्वायर होता है 1 2 1 होता है. अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, अगर यहाँ पे 0 आया 1 0 आए तो इसका जो स्क्वायर है आप देखो ये तीनों है ही, बट सिर्फ बिटवीन में जितने जीरो यहाँ पे होते हैं उस उतने जीरोस हर एक डिजिट के बीच बिटवीन, यानी 1 2 3 यहाँ पे कितने डिजिट है 3 डिजिट है. जितने जीरो इन दोनों के बीच में आएगा उतना जीरो जो है हमें इसके बिटवीन में उतना जीरो पुट करना होगा. यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 1 0 हुआ. आप यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर लो, देखो 2 0 है, देन 2 2 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 0 है, तो हम क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 0. अंडरस्टूड, इस तरीका से सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट में हमें पूरा डालना है, यानी 1 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, देन 2 1 2 3 4 5 6 देन 1. और अगर आगे इसका भी दिया रहे तो हम वही काम करेंगे. क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करेंगे और जितने नंबर ऑफ जीरोज इसमें है हम क्या करेंगे इनके बिटवीन में डालेंगे, यहाँ इस प्लेस के बीच में उतना जीरो डालेंगे. ये पैटर्न हमारा जैसे स्टार्टिंग से आ रहा है हमें आगे चल करके वही फॉलो करके सॉल्व करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 11 का यहाँ पे भी सेम है, जैसे ये है यहाँ तक दोनों सेम है, बट यहाँ चेंजिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपको 2 जीरोस दिए थे बट यहाँ क्या किया है 1 2 1, यानी 2 जीरो के बीच में 1 डाल दिया है. इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आप देखो यहाँ पे यहाँ तक का तो सेम है, यहाँ थर्ड तक इसीलिए करके दिया है ताकि आप उस पैटर्न को आगे फॉलो कर सको. देखो 1 ऐसे जब हो 1 0 1 0 1 तब क्या, तो देखो 1 0 2 है ना 2, जितने टाइम्स आप देखो यहाँ पे जो है 1 0 यानी कि इनके बीच में 1 0 सिर्फ है, फिर इन दोनों के बीच में 1 आ गया, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 है तो हम क्या जाएंगे 3 तक जाएंगे 1 0 देन 2 0 देन 3 0, फिर उसके बाद हम डिप्लेस होने लगेंगे 0 2 0 एंड 1. यहाँ पे क्या है, अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 0 होते, यानी कि ये पैटर्न हमारा 4 तक जाएगा 1 0 2 0 3 0 4. अब यहाँ से डिप्लेस होना स्टार्ट होगा 3 0 2 0 1. ओके, इस तरीका से हमें पैटर्न बनता है. अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें ये स्क्वायर्स उसके दिए हुए हैं, तब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं क्या है, यहाँ पर इसका मैक्सिमम जो है वो 5 गया है. ओके, यानी कि यहाँ पे आप देखो 3 थे तो 4 तक मैक्सिमम गया है ना यहाँ, तो इट मीन्स क्या होगा 4 0 इसमें जाएंगे 5 है तो, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 0 है. इस तरीका से ये इसका पैटर्न को फॉलो करके समझा, स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करके हमने सॉल्यूशन किया. नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर. यहाँ पे भी वही हमें पैटर्न को फॉलो करना है. अब यहाँ देखने वाली बात है कि 1 + 2² + 2² = 3² ओके. अब यहाँ पे 2 जो है वो कंटिन्यू कर रहा है 2² + 3² है ना, तो इन यहाँ पर जो आएगा हमारा ये वाली नंबर जो होगी इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 3 2 = 6 ओके. ये वाली जो है 3 2 = 6 और ये वाला जो है इन दोनों का मल्टीपल, यानी फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट वाले का फर्स्ट मल्टीपल सेकेंड एंड प्लस में 1 करके हम उसका स्क्वायर जो है जो भी है n नंबर का स्क्वायर डालेंगे. अंडरस्टूड, इसी तरीका से हम पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे. देखो यहाँ पे आप है ना, देखो यहाँ पे चेक करो, देखो 2 2 3 = 6 यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ, और मैंने ये वाला कहा इसके लिए, और यहाँ पे जो थर्ड में भराएगा सॉरी ये इस पार्ट में वो इन दोनों का मल्टीपल का स्क्वायर होगा.
और देखो अब आगे देखो ये वाली क्या होगा, ये फिर ये नेक्स्ट स्टेप यानी टू खत्म हुआ, थ्री से स्टार्ट हुआ, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर हुआ और थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस वन देखो थर्टीन का स्क्वायर। ओके सिमिलरली फाइव प्लस फोर सॉरी फोर मल्टीपल फाइव विच इज ट्वेंटी का स्क्वायर, और यहाँ पे ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन होते हैं, ट्वेंटी वन का स्क्वायर आंसर में। ओके एंड यहाँ पे आप जो देंगे यहाँ फाइव स्क्वायर है तो ये कंटिन्यू चलता है, पर या तो फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीपल हो करके ये आता है तो अगर ये मिसिंग है चाहे ये मिसिंग है तो बाकी हम क्या करेंगे इससे उसको डिवाइड कर देंगे, वो मिसिंग नंबर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप विच इज सेवन, मैंने क्या बताया इन दोनों का मल्टीपल ये होता है तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू का स्क्वायर और प्लस में वन इट मीन्स फोर्टी थ्री का स्क्वायर। इस तरीका से पैटर्न को फॉलो करोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग से हर एक लाइन को ऑब्जर्व करो कि क्या किया गया है इस पैटर्न में, उसी को आगे हमें फॉलो करना होता है। आई होप सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का दबा दे, लाइक और शेयर जरूर कर दें।